हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली 32/21 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और डीट प्लस बी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रिजल्ट तैयार किया है। इसके अंदर दोस्तों जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनकी लिस्ट है और साथ ही साथ कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दी गई है, डोज ईयर का टाइम दे दिया गया है। तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। दोस्तों, चैनल एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर लो। जब से कि आप लोग स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आए हैं, ऑलमोस्ट मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आगे जो भी होने वाला है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन या पुलिस वेरीफिकेशन, सारी जानकारी मैं आपको अप टू डेट देता जाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फर्स्ट लाइन यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग, डीट प्लस बी वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 डेट 4/3/2021 विद क्लोजिंग डेट 14/4/2021। दोस्तों, यानी कि 4 मार्च को स्टार्ट हुए थे, 14 अप्रैल को खत्म हुए थे, लास्ट डेट थी 14/4, यानी कि कट ऑफ डेट हो जाती है 14/4/2021। 1126 वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस की 54, जनरल की 487, ओबीसी की 328, एससी की 164, एसटी की 93 और पीडब्ल्यूडी और ओएच की मिलाकर यहाँ पर 23 और 22 ये हो जाती है ऑलमोस्ट 45। तो ये फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, सभी को पता था। यहाँ पर सेकेंड लाइन है कि भाई ये जो एग्ज़ाम था वो 3 फेज में हुआ था, रिटर्न एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड इन 3 शिफ्ट, टायर 1 में ही होता एग्जाम, सभी को बताइए। द मार्क्स ऑप्टेन बाय 6653 द्वारा जो बच्चों कैंडिडेट हुआ अपेड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 17/10/2021 17/10/2021 को हैव बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, यानी कि 6653 बच्चे जो है जो अपेयर हुए थे एग्जाम में। वेबसाइट वाइड नोटिस नंबर 1337 डेट 5/1/2021 एंड ई डोजर वर कॉल्ड बिटवीन। तो ये था, इन्होंने यहाँ पर फिर भी क्लियर नहीं कराया कि भाई कितने बच्चे फाइनल सेलेक्टेड हुए थे, यानी कि कितने बच्चों ने सिक्योर करा था, कितने बच्चे कट ऑफ के लिए बुलाए गए थे। फिर भी यहाँ पर इन्होंने एक तरह से सस्पेंस बना के रखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। 13 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में डोजर के लिए बुलाए गए थे, 5 जनवरी को रिजल्ट आया था, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटर्न एग्जामिनेशन टायर 1 17/10/2021 एंड हैविंग बीन फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल एज पर डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि इसके बेस पर जो एग्ज़ाम होता है उसके बेस पर जो हमने जो भी बच्चे एलिजिबल पाए गए उनकी लिस्ट यहाँ पर है। जनरल कैटेगरी में से 445 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, 445। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जनरल की 487 वैकेंसी थी और 455 यहाँ पर 445 बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं, ये फाइनल सेलेक्टेड बच्चे हैं विद द एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्टेचुरी रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट द फॉलोइंग कैंडिडेट हर एर बी प्रोविजनली नॉमिनेटेड एज पर देयर मेरिट अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। मेरिट के हिसाब से यहाँ पर तैयार की गई है ये लिस्ट, या इसके हिसाब से ये प्रोविजनली नॉमिनेट किए गए हैं बच्चे रोल नंबर्स ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन एमसीडी सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलिंग ऑल अदर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड ऑल्सो करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई डोजियर, यानी कि इनको अपलोड करना है अपने डोजियर, क्या डेट है क्या, ये दोस्तों लिस्ट है यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं बता देता हूँ, फिर अपना रोल नंबर कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है भैया, आपको अपना गूगल खोलना है, ठीक है, गूगल खोलना है, डीट प्लस बी 32/21 रिजल्ट लिखना है, ये वेबसाइट आ जाएगी फर्स्ट वाली, यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो रिजल्ट है यहाँ पर आपका शो कर जाएगा, ये रिजल्ट आज ही आया है। और इसके साथ साथ 2-3 पीडीएफ और हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि उन पीडीएफ को भी देखने के बाद आप आसानी से अपना रिजल्ट देख पाएँ। तो दोस्तों, ये तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से रिजल्ट देख पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे यहाँ पर नोटिस आ चुके हैं, रिजेक्शन नोटिस है 1399 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, रिजेक्शन नोटिस 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। तो रिजेक्शन नोटिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो रिजेक्शन नोटिस खुल जाता है। रिजेक्शन नोटिस में भी अगर जिन बच्चों का इसमें नाम नहीं है और रिजेक्शन नोटिस में अपना नाम देख सकते हैं कि क्या पता उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया किसी भी बेसिस पर। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ऑनलाइन वेबसाइट जो है ये है डेट प्लस बी दिल्ली डेट gov.in। इस वेबसाइट पर आकर आप आसानी से यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर वर गिवन अपॉर्चुनिटी थ्रू, ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे इनको मौका दिया गया विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इफ कैंडिडेट फेल टू अपलोड द डोजियर ड्यूरिंग द सेड पीरियड हिज हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड के 2 नोटिस हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 2 नोटिस हो जाते हैं। अब फटाफट से हम आ जाते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, अब इसमें आप अपना रोल नंबर ऐसे सर्च करेंगे, जैसे मान के चलिए किसी का रोल नंबर है 3130, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं 3130, तो इसके जैसे ये रोल नंबर है और उसके बाद 3130321 3210050, तो ये मैंने यहाँ पर डाला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके इस नाम मतलब इस रोल नंबर के कितने कैंडिडेट है, 3130321 है ना, 3210050, तो ये रोल नंबर मैंने यहाँ पर डाला था, बट यहाँ पर अभी सर्च में नहीं आया है, बट यहाँ पर सर्च हो जाएगा आपका रिज़ल्ट।
या आ चुका है या रिजल्ट, आप अपना यहाँ से ऐसा सर्च करके देख सकते हैं, रोल नंबर अपना देख सकते हैं। उसके बाद ये सारे अब यह फटाफट, तो ये जनरल का हो गया, ओबीसी के बच्चे देख लेते हैं कितने सेलेक्ट हुए हैं। पहले ईडब्ल्यूएस के 51 सेलेक्टेड हैं यहाँ पर, ओबीसी के 322 28, इन लोगों को डोजियर भरने का, डोजियर तो ये भर ही चुके हैं, अब इनके डॉक्यूमेंट जो है रिलेटेड डिपार्टमेंट को सेंड किए जा रहे हैं, उसके बाद फाइनल यहाँ पर कट ऑफ में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इन लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग प्रोसीजर आगे चलने वाला है, एससी कैटेगरी में 164, एसटी के 90 और ओबीसी ओएच सब कैटेगरी में 23, यूआर के 22, ईडब्ल्यूएस के 1 और वीएच कैटेगरी में 22, यूआर के 20 और ईडब्ल्यूएस के 22, यहाँ तो फुलफिल हो जाती है सारी सीटें। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए नोट, क्या नोट, दैट एज पर रिक्रूटमेंट रूल एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में और सी टेट में पास होना चाहिए कट ऑफ डेट से पहले। सिंस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज टेक्निकल इन नेचर, देयरफॉर एट दिस स्टेज डी ट्रिपल एसबी हैज नॉट अंडरटेकन द दैट वेरेसिटी स्क्रूटनी ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एज सच यूजर डिपार्टमेंट, एमसीडी इज रिक्वेस्टेड टू असर्टेन द स्क्रूटनी करेक्टनेस ऑफ द सेम एट देयर ओन लेवल बिफोर इशूइंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द प्रपोज कैंडिडेट एज पर नेचर ऑफ जॉब एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। द सिलेक्शन इज प्रोविजनल एंड टू सब्जेक्ट द सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग सेशन क्वालिफिकेशन फर्निश बाय अबव कैंडिडेट। यहाँ पर समझ लो सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है, तो कोई भी कमी अगर पाई जाती है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है डिट प्लस भी नहीं कि भाई हमने तो जो अपने लेवल पर यहाँ पर बच्चे छाट दिया, बट अब एमसीडी डिपार्टमेंट पर है कि वो इनके डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई करे, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज करे। यानी कि ये बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं, मगर अगर इनके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो एमसीडी डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है, जो कि ले भी सकता है, जो वाजिब है। द कैंडिडेचर ऑफ 28 कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर, ये जो रोल नंबर है इज हेयर बी कंसिडर इन यूआर कैटेगरी, ये यूआर कैटेगरी में कंसिडर गए, बीइंग ओबीसी अदर स्टेट एंड कैप्ट इन वेट पैनल फॉर यूआर कैटेगरी, और इसमें कुछ सेलेक्ट कर दिया है और कुछ को वेटिंग पैनल में रख दिया है एज पर देयर मेरिट इन रिटर्न एग्जामिनेशन। दिस कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू सीक द रिजर्वेशन बेनिफिट, और ये जो है कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जो भी लिखा है ये थोड़ा समझ लेना आप लोग। द सिलेक्शन ऑफ द अबव 1123 कैंडिडेट, ये हो जाता है यानी कि 1126 में 1123 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन इन्होंने बताया है। शेल बी फर्दर सब्जेक्ट टू थ्रो वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर बाय द यूजर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि ये करेगा डिपार्टमेंट एमसीडी। अब जो क्योंकि एमसीडी में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होना है, सिंपल सी बात है, आगे का स्टेप तो ये बनता है, बाकी जो होगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, विच दे हैव क्लेम टू हैव फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज प्रिस्क्राइब इन द रिक्रूटमेंट रूल एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन एंड सब्जेक्ट थ्रू वेरिफिकेशन, ये हो जाता है। कट ऑफ डिस्कस कट ऑफ देख लेते हैं फटाफट से, क्या गई है कट ऑफ, गई है 107 जनरल की 107.12, AWS की गई है 89.74, OBC की गई है 84.44, SC की गई है 85.32, ST की गई है 60.12 और OH की गई है 85.2, VH की गई है 83.92। यानी कि जो मेरा यहाँ पर अनुमान था, मैं आपको अपना अनुमान दिखा दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ दिखा दूँ, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। EWS की जो थी यहाँ पर 80.10, तो ये गई है 9 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं इसमें, ठीक है ना, और जनरल में 98 थी तो इसके 110, यानी कि इसमें भी 9 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। और OBC में 14 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, SC में 10 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, ST की सेम रही है और PWD की कैटेगरी में भी 15 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये हो जाता है, ये पहले वाली कट ऑफ थी जब रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद दोस्तों ये कट ऑफ मैंने डिसाइड करी थी क्योंकि मैंने देखा था कि अगर एक या दो गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो 2-3 नंबर का फ़र्क आ सकता है, बट यहाँ पर फ़र्क ज़्यादा चला गया है। मैंने इसलिए भी ये वीडियो में लो रखी थी क्योंकि जब मैं ज़्यादा कट ऑफ बता रहा था ना, तो कुछ लोग लाइव आकर यही कह रहे थे कि सर आपको जानकारी नहीं है, आप ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो, और जबकि मैं वीडियो में काफ़ी बार रिपीट भी यही कर रहा था कि 2-3 गुना बच्चे अगर बुलाए गए होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा चली जा सकती है। खैर जो भी है, ये कट ऑफ थी, ये फाइनल कट ऑफ जो है ये है। इसके बाद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन MCD हैज़ बीन क्लोज फॉर द वेट लिस्ट पैनल ऑफ द कैंडिडेट शेल बी वैलिड अप टू 30 जून 2023 तक वैलिड है, यानी कि 30 जून 2023 तक सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ जो देखना भूल गया हूँ वो ये देखना भूल गया हूँ कि यहाँ पर इन्होंने डेट क्या दी हुई है कट ऑफ की डेट यहाँ पर फटाफट देखते ही हम लोग, सॉरी दोस्तों, डोजियर भरने के देखते ही फटाफट यहाँ पर हो जाता है। ये वेटिंग पैनल है जिसको कंप्लीट करना है 23 जून 2023 से पहले, यानी कि अभी आपके पास पूरा एक साल है। और कैटेगरी वाइज मार्क्स स्कोर्ड बाय द लास्ट वेट लिस्ट, ये तो वेटिंग लिस्ट में भी दोस्तों अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट गई हुई है, तो मान लीजिए इस बार काफ़ी बच्चों ने धुआंधार एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी धुआंधार नंबर लाए हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जो लास्ट में देख लेता हूँ लाइन कहाँ पर है,
दोस्तों वेटिंग लिस्ट में भी 225 कैंडिडेट को रखा गया है, जनरल के 100, ईडब्ल्यूएस के 12, ओबीसी के 70 और एससी वेटिंग लिस्ट में 33 है, ओएच की वेटिंग लिस्ट में 5 है, वीएच की में भी 5 है। दोस्तों अभी यहाँ पर मैं डोजियर की डेट देख नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई देख पाए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं पिन कर दूंगा। और बाकी आज के लिए इतना ही, लाइव सेशन में बता देंगे आगे की जो भी जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।